सड़क पर किसी एक की तरफ से की गई लापरवाही किसी दूसरे शख्स की जान ले लेती है। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक बाटा फ्लाईओवर के पास क्रेन चालक की लापरवाही के चलते एक MBBS डॉक्टर की जान चली गई। मृतक डॉक्टर गौरव अपने दोस्त से मिलने के लिए बुलेट पर जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि बीच रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही होगी, और वो भी किसी दूसरे की लापरवाही से। धन्यवाद बेटी तू। मृतक डॉक्टर गौरव का बल्लभगढ़ की मुकेश कॉलोनी में क्लिनिक था। गौरव के क्लिनिक पर काम करने वाले सहयोगी बसंत कुमार ने बताया कि गौरव को उसके दोस्त का फोन आया था, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चले गए, लेकिन बीच रास्ते में उसकी बाइक की एक क्रेन से टक्कर हो गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर गौरव सिंह है, वो हमें रात को पता लगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि कुछ ट्रैक कोई क्रेन से टकरा गए, क्रेन से टकरा गए, और वो सही साइड से आ रहे थे। क्रेन रुकी हुई थी और क्रेन धुंध में दिखी नहीं या जो भी हुआ, उस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया और एक टैलेंटेड डॉक्टर को हमने खो दिया हमारे बीच से। बहुत नेचर कैसा था? नेचर काफ़ी अच्छा था, सपोर्टिव थे। आज मतलब आप ये समझे कोविड में कितने ही पेशेंट, डेंगू कोविड कितने ही पेशेंटों को, गरीबों को कितनी मदद करी है, ये आप उनके इलाके में जाके पूछेंगे तब पता लगेगा जो वो कर रहे थे वहाँ पर काम। तो मतलब ये लॉस रिप्स। मृतक के दोस्त नमन ने बताया कि डॉक्टर गौरव सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। डॉक्टर गौरव ने कोरोना काल में बहुत से गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज भी किया था, ऐसे में उनकी मौत सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वहीं मामले को लेकर चौकी इंचार्ज प्रदीप मोर ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने गौरव के परिजनों से संपर्क कर उन्हें ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हादसा क्रेन चालक की लापरवाही के चलते हुआ है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर गौरव जी। जिस संबंध में इनके वारिसानों के बारे में पता किया तो उसका संपर्क नहीं हो पाया, तो उसके बाद मौके पर जाके मौके से जो डॉक्टर साहब की मोटरसाइकिल से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और वारिसानों का प्राप्त होने के बाद उनको जो उन्होंने कंप्लेंट्स दी है उसमें कंप्लेंट देने के बाद FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई करके बाद कराकर 174 की कार्रवाई डेड बॉडी उनके वारिसानों के हवाले कर दी। हादसा हुआ कैसे था सर? ये हादसा ये अपने किसी कार्य से अपने क्लिनिक को क्लोज करके अपने एक SSB हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर हैं उनके उनके पास जा रहे थे, वो उनके फ्रेंड ही हैं, और एक क्रेन थी जो हाईवे के ऊपर चल रही थी, वो अचानक क्रेन में रोड के बीच में थी, उसका रोड की साइड को ठीक तरीके से सामने आने पर ना वजह से ये मोटरसाइकिल्स उस क्रेन की लापरवाही, किसी तरीके का कोई भी इंडिकेटर्स या कोई ऐसे चिन्ह या कोई गार्ड्स की या कोई लाइट्स का प्रबंध नहीं था उसका, और उसकी लापरवाही की वजह से ये मोटरसाइकिल उससे टकरा गई, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, एक डॉक्टर की डेथ होगी। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर गौरव की जान क्रेन चालक की लापरवाही से गई है, जिसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भले ही आरोपी चालक को गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन जिसके घर का चिराग किसी की लापरवाही से बुझ गया हो उसके जख्म ताउम्र नहीं भरेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।